हेलो गाइस, कैसे हो भाई? हो आ गया हूँ एक और वीडियो लेके आपके लिए। ये ब्रेजा के बारे में ही। अब देखो, ब्रेजा मैंने ले ली है, टॉप मॉडल लिया है, और जो एसेंशियल एसेसरीज होती है वो भी मैंने लगवा ली है इसमें। लेकिन ना उसके बाद भी कुछ चीज़ें बच जाती है, जैसे कि हम लोग और भी चीज़ें मंगवाते हैं गाड़ी के लिए, साफ करने के लिए एसेसरीज जो बाकी की हम लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं। तो भी ऐसी मैंने ना कुछ बेसिक एसेसरीज मंगवाई है अपनी कार के लिए, अभी बेसिक बेसिक ही मंगवाई है। बाकी उसके बारे में आज आपको बताता हूँ कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई है। ऐसी ऐसी चीज़ें मंगवाई है जो कि आपने एक बार गाड़ी ले ली तो आपको उसके बाद चाहिए ही चाहिए, वो बेसिक नीड्स होती है गाड़ी के लिए। तो आज उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ एसेसरीज है जो कि मैंने बेसिक एसेसरीज गाड़ी के लिए मंगवाई हुई है। अब इसमें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्या क्या चीज़ है। अब जैसे आपने गाड़ी ले ली, मैंने भी गाड़ी ले ली, गाड़ी पे ना खड़ी खड़ी पे धूल चढ़ती रहती है, गंदी होती रहती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक डस्टर या फिर एक कपड़ा प्रेफर करते हैं लेने के लिए, ताकि गाड़ी हम साफ़ करवा सके या खुद कर सके। तो उसके लिए मैंने क्या है ना, माइक्रोफाइबर क्लॉथ सबसे सही होता है गाड़ी के लिए। उससे क्या है ना, स्क्रैचेज वगैरह भी नहीं लगते और सॉफ्ट कपड़ा होता है बहुत ज़्यादा, तो पेंट पर कोई नुकसान नहीं आता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स मंगवाया है। अब दो टाइप के मंगवाया है मैंने, एक मंगवाया है कार के अपर मतलब बाहर के लिए, ठीक है, एक्सटीरियर के लिए, और एक मंगवाया है इंटीरियर के लिए। सबसे पहले आपको एक्सटीरियर के लिए बताता हूँ। एक्सटीरियर के लिए मैंने ये मंगवाया है, ये दो कपड़े मंगवाए हैं। सॉफ्ट स्पंज का है ये कपड़ा एक, ये दो आए हैं मेरे, और ये दोनों मेरे को पड़े हैं 500 कुछ रुपए के, और ये 900 GSM के है। जो इसकी मोटाई होती है ना उसे GSM कहते हैं, ये 900 GSM के है। और ये बाहर एक्सटीरियर के लिए ना काफ़ी सही है, इसे पानी वानी सब कुछ अच्छी तरह से सोख लेता है। तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया है बाहर के लिए, ताकि मैं इसे साफ कर पाऊँ, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है ये। मैं अमेजोन से मंगवाई है सारी चीज़ें, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अभी मैं अपनी लिंक दे रहा हूँ या कुछ स्पॉन्सर वगैरह है, बस आपको ताकि आप देख पाओ और अच्छा लगे तो ख़रीद लो, इसलिए मैं आपको लिंक उसमें सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अब ये दो कपड़े हैं, ये दोनों साइड से यूजेबल है, ये एक साइड येलो एक साइड ग्रे है, दोनों साइड से यूजेबल है, और काफ़ी अच्छी तरह से ये मैंने यूज़ भी करा हुआ है। ऐसे नहीं बता रहा आपको, ये देखो गंदा हो रहा है, ये मैंने यूज़ भी करा हुआ है। और जैसे कि अभी मिट्टी है, थोड़ा पास आ जा, मिट्टी है गाड़ी पे, अगर आप एक बार मारोगे ना तो पूरी मिट्टी देखो साफ हो जाती है बिल्कुल अच्छी तरह से। गीले पे भी मार सकते हो आप गाड़ी को सुखाने के लिए, उससे क्या होता है पूरा कपड़ा गीला, आपकी गीली जो गाड़ी में पानी है वो सोख लेता है और अच्छी तरह से ड्राई कर देता है गाड़ी को, ठीक है। अब ये 900 GSM के है, ठीक है। और एक मैंने मंगवाया है इंटीरियर के लिए, इंटीरियर के लिए मैंने मंगवाया थोड़े कम GSM के, ये 500 GSM के है। ये भी मेरे को इतने के लगभग इतने के ही पड़े हैं, ये थोड़ा आप देखोगे ना इसकी मोटाई थोड़ी कम है और थोड़ा सा बड़ा है, ये बड़ा है इसलिए थोड़ा महंगा है, ये इसकी मोटाई ज़्यादा है, इसकी मोटाई कम है। और इंटीरियर के लिए ना, इंटीरियर ये अच्छी तरह से साफ़ कर देता है, एक्सटीरियर में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, तो एक्सटीरियर में भी ये काफ़ी सही साफ़ कर देता है, ठीक है। बाकी यूज़ करा हुआ है मैंने, धो लो इसे, रीयूजेबल है, कितनी बार भी धो लो और काफ़ी चल जाते हैं ये कपड़े। अब ये तो हो गई इसके कपड़ों की बात, ठीक है। अब बात आती है कि आपकी गाड़ी पूरी धूल में है, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इसमें धूल में कपड़ा लगा रहो, छोटे छोटे कपड़े हैं, तो फिर क्या है ना, बंदा थक जाता है और बार बार झाड़ना पड़ता है कपड़ा। तो उसके लिए मैंने मंगवाई है ये चीज़। अब ये क्या है ना, ये भी एक तरफ का टाइप का डस्टर ही है, और ये जो इसके फाइबर्स है ना, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, माइक्रोफाइबर ही है इसमें। ये देखो मैंने यूज़ करा हुआ है और गंदा हो रखा है ये ऐसे आता है वाइट, ये रेशे होते हैं इसमें माइक्रोफाइबर के, ये मैंने ना यूज़ करा हुआ है। यूज़ करके आपको बता रहा हूँ चीज़ें कि भाई ठीक है भी या नहीं है। ये मेरे को पड़ा है 700 कुछ का, इसमें क्या है सस्ते भी थे, 200-250 रुपए वाले भी थे, लेकिन उसमें क्या था ना, ये कवर नहीं आता था। अब ये क्या है, मैं गाड़ी के अंदर रखूँगा, जैसे डिग्गी में बूट में रखूँगा, तो उसमें क्या है ये, अब आप इसको झाड़ लो लेकिन फिर भी इसमें मिट्टी बच जाती है, तो उससे मैं कब पन्नी में करके रख देता हूँ, उससे क्या है ना अंदर मिट्टी फैलती नहीं है इसकी और गाड़ी साफ़ रहती है। अब ये क्या है ना, इसको आप धो भी सकते हो, वॉशेबल है ये, वॉशिंग मशीन में धो लो या फिर हाथ से धो लो, ये यहाँ से निकल जाता है, इसका जो ये डंडा है ना यहाँ से निकल जाता है, और इसको अपने आप आराम से धो लो, ठीक है। बाकी साफ़ करना है, जब आपने धो लिया तो इसको आप ऐसे लगा दो और ये साफ़ हो जाएगा। मैं इसको आपको थोड़ा सा साफ करके भी बताता हूँ, क्योंकि मैंने यूज़ करा हुआ है और काफ़ी अच्छी चीज़ है, गाड़ी बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर देता है और आपकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। अब जैसे बोनट पे ये है मिट्टी है, अब इसको एक बार मैंने मारा ना, ये सारी मिट्टी साफ़ हो जाएगी, बोनट साफ़ हो जाएगा बिल्कुल, और बस अब यू आर गुड टू गो। बाकी ऊपर से ज़्यादा गंदी है, तो आप पहले सबसे पहले क्या करते हो, ऊपर से साफ़ कर दो, ताकि ऊपर का जो धूल है वो नीचे आ जाए, फिर नीचे से साफ़ कर लो। ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर से बहुत ज़्यादा गंदी है, एक बार आपने ऐसे मारा ये सारी मिट्टी आ गई, ठीक है, सारी मिट्टी साफ़ हो गई,
पूरी गाड़ी करके मैं दिखाऊंगा नहीं, मैंने गाड़ी इसलिए साफ नहीं करी थी ताकि आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँ, बाकी मैं ये कर लूँगा बाद में। फिर आपने इसको एकदम से ऐसे झाड़ा और आपने इसमें कवर में करके रख दिया, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ लगी मेरे को तो गाड़ी के हिसाब से, कभी हाँ गाड़ी गंदी रहती है आप रोज़ खुद से साफ़ कर सकते हो या फिर आप किसी को लगवा सकते हो, उसको भी दे सकते हो। बाकी अब जो चौथी एसेसरी मैंने मंगवाई है ना वो है ये, छोटे से डब्बे में आई है, अमेजोन से मंगवाई है, लेकिन ये कंपनी अलग है, ये गैलियो की, जो आपका गैलियो कंपनी है, अच्छी कंपनी है काफ़ी। और ये चीज़ मैंने मंगवाई है, ये क्या है ना फिंगर गार्ड है। अब जैसे कि गाड़ी में आप यहाँ पर आओ एक बार, अब ये जो गाड़ी का आप जब भी ये खोलते हो ना हैंडल, तो फिर आपके हाथ यहाँ पे लगते हैं, कभी कभार जैसे नाखून बड़े होते हैं तो स्क्रैच आ जाते हैं यहाँ पे, आपने ऐसे खोला स्क्रैच आ जाते हैं। उससे बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हाथ लगते हैं आपके, मैंने मंगाया है फिंगर गार्ड। अब ये है क्या चीज़, ये आपके ना जैसे कि ये ऐसा है और ये ट्रांसपेरेंट आता है तो किसी भी कार के साथ मैच हो जाता है पेंट के साथ। आप इसको ना यहाँ पे ऐसे लगा दो तो क्या ये गार्ड की तरह यहाँ पे चिपक जाता है, और फिर आपको यहाँ पे जब भी खोलोगे तो इस गार्ड पे आपके हाथ लगेंगे, इस पर नहीं लगेंगे, इससे आपके ये स्क्रैच से बच जाता है। आपको एक मैं लगा के भी दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, देखो एवं मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो इधर डिग्गी में देखो, जैसे कि बूट स्पेस है अच्छा है यहाँ पे, ये मैंने ये रख रखा है, ये मैंने ना पहले मंगवा के रख लिया था। एक एसेसरी ये भी है, ये क्या है एयर टायर इन्फ्लेटर है, ये अमेजोन का ही आता है, अमेजोन बेसिक का, और इससे आपको क्या है ना हवा वगैरह भर जाती है। इसमें क्या है आपके लाइट्स भी आते हैं, इमरजेंसी लाइट्स भी आती है, फ्लैश लाइट ऑफ ऑन, रेड भी आती है, वाइट भी आती है फ्लैश के लिए। और आप इसमें एक बार सेट करके रख दो टायर प्रेशर, वो अपना आप एयर भर देगा और अपना आप ऑटो कट हो जाएगा भरने के बाद। और बाकी अगर मैं स्पेस की बात बताऊँ ना, बूट में इतना स्पेस तो आपको मिलता है, 60-40 स्प्लिट की वो मिलती है आपको सीट्स, लेकिन बूट में ना ये देखो यहाँ पे मैंने क्या रख रखा है, आपके टायर स्पेयर व्हील के यहाँ पे भी इतनी स्पेस मिल जाती है कि आप अपनी 2 लीटर की बोतल दोनों साइड रख सकते हो। ये मैंने इमरजेंसी के लिए रख रखी है ताकि वाइपर वगैरह में पानी भर सकूँ। और बाकी इससे ना आपको साफ करके दिखाता हूँ फिंगर गार्ड का क्या काम होता है, ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है ना, आपको इस सरफेस एरिया को अच्छी तरह से साफ करना है, क्योंकि इसमें धूल वगैरह रह जाएगी तो फिर वो हटने के चांसेस रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा इसके ऊपर, ठीक है, उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ हमारे पास है ही, वो पानी भी सोख लेगा और इसको अच्छी तरह से सरफेस को साफ भी कर देगा। ये मैंने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर डाल के साफ कर दिया, ये पानी भी सोख लेता है साफ भी कर देगा। कोशिश करना है कि पानी भी नहीं रहे इस पर, नहीं तो फिर वो हटने के चांसेस रहते हैं अगर गीला रहता है तो। अब ये अच्छी तरह से साफ हो गया है, इसने बिल्कुल पानी सोख लिया अच्छी तरह से, ठीक है। अब सिंपली कुछ नहीं करना, स्टिकर की तरह ये जो है ना स्टिकर की तरह है, आपने इसको यहाँ से हटाया, ठीक है, इस साइड गम है और यहाँ पे प्लेस कर दिया आपने, बीच में प्लेस कर देना अच्छी तरह से ताकि अच्छी तरह से लग जाए, और इसको अच्छी तरह से दबा भी देना। अच्छी तरह से आपने इसको ऐसे लगा देना है दबा के, ताकि इसमें कुछ एयर वगैरह ना रह जाए। ठीक है, अभी ऐसे लग जाएगा, उसके बाद आप अपनी ये हटा देना पहले से, और यहाँ पर ऐसे पूरा लग चुका है। थोड़े से इसमें एयर वगैरह आ रहे हैं तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो इसको। आप जब भी हैंडल खोलोगे ना इसका, तो ये आपका स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे इस पर, ठीक है। ये मैंने लगा दिया है, बाकी चारों पे मैं लगा दूंगा, आपको दिखा दूंगा। अब हम आते हैं अपनी पांचवी एसेसरीज पे, ठीक है। जो फिंगर गार्ड है ना, ये जैसे कि आप देख रहे हो, अब मेरे वाली गाड़ी में क्या है ना, ये वाला हैंडल आता है तो इसमें क्या है, ये पूरा कवर हो जाता है यहाँ पे। अब कुछ कुछ गाड़ियों में क्या आता है, वो दूसरा हैंडल आता है जो आप ऐसे करके खोलते हो, यहाँ से कवर रहता है वो, तो उसमें ये नहीं लग सकते। तो उसके लिए क्या आता है ना, ये यहाँ से बीच से कटा हुआ भी आता है एक, आप गैलियो की साइट पे भी देख सकते हो, अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से वो बीच से कटा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो भी आप मंगवा सकते हो, उसके लिए वो ठीक रहेगा, और उस पर भी स्क्रैचेस से आप बचा सकते हो अपनी गाड़ी को। अब लोग हम लोग आते हैं अपनी पांचवी एसेसरी पे। पांचवी एसेसरी क्या है, पांचवी एसेसरी है ये क्या है, विंडशील्ड एंड ग्लास क्लीनर। अभी क्या है ना, हम लोग वाइपर साफ करते हैं, मतलब वाइपर की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग ना विंडशील्ड पे जो आपके यहाँ पे बोनेट पे होता है ना, यहाँ पे हम पानी डालते हैं, और पानी के साथ हम क्या करते हैं ताकि वो सही से साफ़ हो जाए, हम लोग इसमें शैम्पू डाल देते हैं। लेकिन शैम्पू क्या करता है, शैम्पू ना इसमें इकट्ठा होके
इसको ब्लॉक कर देता है। मेरी जो पुरानी वाली गाड़ी है ना उसमें मैंने शैम्पू डाला था और उसने भाई उसको ब्लॉक कर दिया और फिर मेरे को ठीक भी करवाना पड़ा पूरी। इसकी जो तार होती है ना, पाइप होता है पूरा, वो ठीक करना पड़ा हमें। तो उसके लिए क्या है, एक तो लिक्विड फॉर्म में आता है आपका विंडशील्ड क्लीनर, एक आपका आता है टैबलेट फॉर्म में। टैबलेट फॉर्म में क्या आता है ना, मैंने यूज़ भी करा हुआ है और काफ़ी अच्छी तरह से साफ कर देता है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको आप ऐसे खोलोगे और इसमें एक ऐसी गोली निकलेगी छोटी सी। अब क्या है ना, इस छोटी सी गोली को जब आपका ये टैंक फुल रहता है ना, अपने इसमें वैसे लिखा हुआ है कि 4 लीटर पानी में ये गोली आती है, मतलब डालनी पड़ती है, लेकिन 4 लीटर ही आपका इसमें आता होगा। और इसमें आप एक इसको ऐसे डाल दो, बस डालने के बाद खुद कुछ नहीं करना, अपना आप ही इसमें डिजोल्व हो जाएगी। और फिर आपको अपना वाइपर चलाना, उसमें क्या है आपका अपना सोपी वाटर आएगा ताकि आपकी विंडशील्ड अच्छी तरह से साफ हो जाए। तो ये हमारी थी 5वीं एसेसरी। जैसे मैंने आपको विंडशील्ड क्लीनर दिखाया था, अभी देखो मेरा जो शीशा है ना काफ़ी गंदा है, ये देखो आपको दिख रहा होगा काफ़ी गंदा है। आपको मैं एक बार ना साफ करके दिखाता हूँ। मैंने अभी जो इसमें टैबलेट डाली थी, ये मैंने वाइपर चलाया और ये देखो सोपी वाटर आता है वाइपर में, सोपी वाटर आता है और आपके विंडशील्ड को ना पूरी तरह से क्लीन कर देता है। देखो पूरा इसने क्लीन कर दिया है। ऐसी पीछे का वाइपर भी इसमें आता है, टॉप मॉडल है तो पीछे में भी आपका बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो ये था इसका यूज़ और काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। इसमें ना एक लिक्विड फोम भी आता है, आप वो भी ले सकते हो, 20-30 रुपये का पैकेट आता है वो, और ये भी ले सकते हो। मैंने ये मंगवाया था और ये मेरे को पड़ेगा था 10 टैबलेट आई थी मेरे पास। इसके और भी ऑफर आते हैं, जैसे कि 100 टैबलेट्स का भी आता है, 300-400 रुपये में आपको मिल जाता है वो, ठीक है। तो ये मैंने मंगवाया था, ये काफ़ी मेरे को यूजफुल चीज़। अपनी आज की आखिरी एसेसरी पे, जो 6th एसेसरी है और मेरी जेब में वो एसेसरी है ये। अब देखो इसकी जो की आती है ना, इसकी की आती है वायरलेस एंट्री वगैरह होती है, की यहाँ से निकलती है इसकी। और इस पर क्या है ना, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, आपकी अगर कार की गिर जाती है कहीं पर, या कहीं पर आप रखते भी पॉकेट में रखते हो फ़ोन वगैरह के साथ, तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने मंगवाया ये कवर। अब इसका ना ये कवर आता है, ये पूरा ना ये रहता है रबड़ का रहता है, और ये आपका 250 रुपीज़ का पड़ जाता है सिंगल ये। अगर आपको ये भी मंगवाना है, क्योंकि ये सिंगल अगर आप मंगवाते हो तो फिर क्या है ना, ये बस ये रहता है, तो आपकी चाबी मतलब घूमो हो सकती है और खाली रहता है। अगर ये हो जाता है तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, ये चेन कवर मतलब आ जाता है। 250 का ये आता है और 250 का ये आता है, तो टोटल ये मिला के 500 रुपये का आ जाता है। इसमें क्या है ना, एक वो भी आता है ब्लैक कलर का, जो आजकल बहुत चल रहा है, ब्लैक और गोल्डन कलर के आते हैं, लेकिन मेरे को ना वो पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा, वो मतलब ऐसे ही रहता है। ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, ये अच्छी तरह से, पहली बात तो फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है। ये देखो जो इसका सेंसर है ना, यहाँ पे भी इसका पूरा कटआउट दे रखा है, यहाँ से जो की हम निकालते हैं ये वाली, ऐसे करके ये की निकल जाती है इमरजेंसी के लिए। यहाँ पे भी अच्छी खासा कटआउट दे रखा है और ये फिट बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, बिल्कुल ना गाड़ी को पकड़ लेती है। अभी इसको आप चाहे कहीं पे गिराओ या कुछ भी करो, कुछ भी नहीं होएगा आपकी की को, ये आपकी की को कवर रखेगी, स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं लगेंगे इसमें। और ऊपर से ये भी ठीक है, मतलब गाड़ी में लगता है कि आपने चाबी पकड़ी हुई है। तो ये मैंने एक और एसेसरी मंगवाई है इसकी, और ये काफ़ी मेरे को यूज़फुल लगी और मतलब वर्थ बाय है ये, तो ठीक है। देखो गाइस, अभी मैंने क्या करा, सबसे पहले वो जो डंडे वाला हमारा वो होता है डस्टर, वो मारा। उसके बाद मैंने बोनेट पे थोड़े से निशान पड़े थे, आपने देखेंगे वीडियो में, उस पर थोड़ा सा ये पानी डाला। उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको साफ़ कर दिया और उसमें ये पानी था, उससे पूरी गाड़ी साफ़ कर दी। अब गाड़ी बिल्कुल साफ़ हो गई है, यहाँ पे छत्ते भी निशान थे जो, वो भी सारे छूट गए। ये देखो यहाँ पे जैसे निशान है, उसी कपड़े से मैं कर रहा हूँ और उससे ही सब कुछ साफ़ हो गया। तो इस तरह से आप साफ़ कर सकते हो घर में, थोड़ा सा वो करना है आपको और थोड़े से उससे आपकी गाड़ी बिल्कुल चमक जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, जो मैंने गैलियो का फिंगर गार्ड मंगवाया ना, ये मैं पहले गैलियो की साइड से मंगवा रहा था, और जो वो डस्टर था वो भी मैं उसकी साइड से मंगवा रहा था, लेकिन क्या हुआ, उसकी साइड मैंने यूज़ करी फ़ोन में चलाई, लेकिन वो चली नहीं सही से। और जो उसका वो था आपका डस्टर, वो जो डंडे वाला आता है, वो भी वहाँ पे मेरे को कहीं पे भाई मिला नहीं। तो मैंने फिर अमेजोन पे मेरे को फिंगर गार्ड दिखा, तो मैंने वहीं से मंगवा दिया। तो गैलियो की साइड से ही मैं पहले ऐसी चीज़ मंगवाने की सोच रहा था, क्योंकि उनकी क्या है ना, क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, लेकिन भाई मेरे को वहाँ पे तो मेरे को समझ नहीं आई उनकी वेबसाइट। फिर मैंने अमेजोन से मंगवा लिया और सारी मतलब रेटिंग वगैरह देख के मैंने एसेसरी मंगवाई है, 5-स्टार रेटिंग है, 4-स्टार रेटिंग है सबकी, और काफ़ी मेरे को तो काफ़ी यूजफुल लगी। और तो गाइज, ये थी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। मैंने कुछ बेसिक एसेसरीज के बारे में आप लोगों को बताया है, अभी ये मैंने बेसिक एसेसरी मंगवाई है, अभी मेरे को और भी एसेसरी मंगवानी है, तो उसका मैं आपको बाद में बता दूंगा। जैसे कि गाड़ी के अंदर वैक्यूम क्लीनर की जरूरत पड़ती है, अब मैंने अभी कल ही इसके मैट साफ करे थे, तो उसमें क्या है, मेरे को वैसे ही करने पड़े, मतलब पानी वानी से करने पड़े। वैक्यूम क्लीनर होता है, धूल मिट्टी आप उससे निकाल सकते हो, डैशबोर्ड पर भी धूल मिट्टी होते हैं, तो वैक्यूम क्लीनर मंगाना है, पॉलिश वगैरह मंगानी है अंदर की, वो सारी एसेसरी जो बाकी की एसेसरीज होती है ना,
वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, अभी मेरे को मंगवानी है। और ये सारी ऐसी चीज मैंने यूज करके आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग इनको आराम से मंगवा सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो आप ना अमेजोन पे जाके टाइप करके भी कर सकते हो कि भाई मेरे को विंडशील्ड क्लीनर चाहिए या फिर मेरे को माइक्रोफाइबर क्लॉथ चाहिए, वो सारी चीज़ आप मंगवा सकते हो। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो पे। और भाई थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा सपोर्ट करोगे अगर तो मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये नहीं कि गाड़ियों से रिलेटेड ही, गाड़ियों से रिलेटेड तो आएंगी और भी बाकी व्लॉग्स टाइप वीडियोज़ भी आती रहेगी। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है? थैंक यू भाई।